आज के इस वीडियो में अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के 250 प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस प्रश्नों को टेस्ट के रूप में लेना या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए कि भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प और 2 सेकेंड का समय मिलेगा, ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को हम आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। भले ही हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन अगर आर्थिक राजधानी की बात आती है तो हम महाराष्ट्र यानी मुंबई का नाम ही लेते हैं। मैं कि आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए विभिन्न आधार कौन कौन से हैं, मतलब कि अगर किसी भी देश की आर्थिक विकास को बताना हो कि मतलब कि यह देश कितना तेजी से विकास कर रहा है, तो वहाँ पर आप क्या चीज़ की काउंट करेंगे? तो वहाँ पर हम काउंट करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण, यानी कि इनमें से सभी, मतलब किसी भी देश का विकास दर का पता लगाने के लिए इन तीनों फैक्टरों पे काम करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी के आधार पे भारत का स्थान कौन सा है। देखिए, आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है जीडीपी वाला, ये हमेशा घटता बढ़ता रहता है, तो जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय का हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी ये आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं आप इसे अपने आप को अपडेट करके जाइए। पिछले साल मतलब कि 2019 में एक बार ऐसा था कि भारत 5वें नंबर पे था, लेकिन अब भारत की जीडीपी का बहुत बुरा हाल है और भारत अब 7वें नंबर पे है। लेकिन भारत की जीडीपी जिस तरह से गिर रही है, उससे हो सकता है कि ये भी आंकड़ा पार हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि पीपीपी यानी कि पर्सिंग पावर पैरिटी, इसके आधार पर भारत का स्थान क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है, आपको 2 सेकेंड मिलेगा। देखिए, जो पीपीपी यानी कि पर्सिंग पावर पैरिटी की बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि किस देश में, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि विकास दर की क्या रेट है, जैसे कि वहाँ पे कितना प्रोडक्ट बनता है या फिर अदर देशों की अपेक्षा वहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, तो ये पूछा होता है पीपी का मतलब। तो अगर पीपी की बात करें तो भारत का इसमें अभी भी 3रा रैंक है, हालाँकि ये भी करेंट अफेयर है और ये भी अपडेट होता रहता है। फिलहाल में देखा जाए तो अमेरिका और चीन हमसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन है कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो यह तैयार किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। महबूब उल हक ने सबसे पहला मानव विकास सूचकांक जारी किया था। अगर आपसे ये पूछ ले कि क्या हमारे देश के किसी भी अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इसके लिए सही उत्तर है हाँ, ये मिला था अमर्त्य सेन को 1998 में। इसके बाद अगर 2019 की बात करें तो एक व्यक्ति को मिला है, लेकिन ये केवल भारतीय मूल के हैं, उनका नाम है अभिजीत बनर्जी, लेकिन ये भारतीय नहीं है, केवल भारतीय मूल के हैं, जेएनयू से पढ़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किस राज्य में अधिक है। तो अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस राज्य का है यह है केरल, यहाँ का मानव विकास सूचकांक सबसे ज़्यादा हाई है। केरल की राजधानी कहाँ है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक कौन सा है, ये आपको बताना है। 2 सेकेंड है आपके पास केवल। सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम RBI बोलते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था 1949 में। ये भी पूछा जाता है कि जो RBI को हम किस नामों से जानते हैं, तो इसे बैंकों का बैंक के नाम से भी जानते हैं। किसके कहने पे ये बनाया गया, तो एक कमेटी थी हिल्टन यंग कमीशन, इसके सिफारिश पर RBI को बनाया गया।
अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है केवल जीविकापार्जन होता है केवल, जहाँ पर जीने के लिए कोई भी क्रिया की जाए उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रियाओं में इसका समावेश हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? नेशनल डेवलपमेंट ये है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है प्रधानमंत्री, हमेशा और हमेशा जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ये एक्स होता है एक्स ऑफिशियो, यानी कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा ऑटोमेटिक वो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति पर क्या असर पड़ता है? तो देखिए, अगर केवल जनसंख्या वृद्धि हो और ज़्यादा विकास ना हो तो वहाँ पे जो आर्थिक विकास होगा वो मंद हो जाएगा, यानी कि अगर जनसंख्या वृद्धि होती रही तो आपका आर्थिक विकास मंद हो जाएगा। देखा जाए तो इस समय भारत की जनसंख्या करीब 138 करोड़ के आसपास है, जो कि आपको एग्जैक्ट डाटा मिलेगा 2021 में कि कितना है, लेकिन फिलहाल अगर आप आपसे पूछा जाए आपसे तो ये 2011 के अनुसार आप बताएंगे केवल 121 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीयकरण 2 बार किया गया था। एक बार किया गया था 1969 में 13 बैंकों का, उसके बाद किया गया था 1980 में 5 बैंकों का। तो पहली बार यहां बताना था आपको, तो सही उत्तर हो जाएगा 1969। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ये भी चेंज होते रहता है हर साल, तो इस बार लगभग 190 देशों की जो सूची आई थी 2019 में, उसमें इंडिया का जो स्थान था ये था 129, 129। अगला है कि जीडीपी पर कैपिटा के आधार पे सबसे पहले स्थान पे कौन सा देश है? पर व्यक्ति मतलब कि प्रति व्यक्ति आय किस देश के लोगों की अधिक है ये आपको बताना है। तो ये है कतर का, जिसकी कैपिटल है दोहा। यहाँ का जो पर कैपिटा है ये सबसे अधिक है। अगला है कि शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना ये किस तरह की क्रिया है? अब ये हिंदी से क्वेश्चन नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। ऑप्शन है अनार्थिक, आर्थिक, दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर शिक्षक अपने पुत्र को पढ़ाता है तो ये क्रिया आर्थिक भी हो सकती है और अनार्थिक भी हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह हम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन और सीरीज कवर कर रहे हैं उसी तरह ढेर सारी वीडियो जो कि हिस्ट्री, जियोग्राफी और इस तरह की स्टेट वाइज जी के ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अगर उन सबका टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको अप्लीकेशन का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जा करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। अगला क्वेश्चन है कि किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा और ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? आधुनिक यंत्र पूछा गया है सूचना, शिक्षा और सर्वज्ञान, तो ये है कंप्यूटर। आप जो मोबाइल देख रहे हैं वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, तो इसके लिए एग्जैक्ट उत्तर है कंप्यूटर। अगर ये पूछा जाए कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो किया गया था चार्ल्स बैबेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? हालांकि इस समय ये राज्य भी थोड़ी अच्छी खासी प्रगति किया है, लेकिन ये है बिहार, अगर इन ऑप्शनों में से गौर करें तो। बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना, जो कि गंगा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कितना परसेंट आबादी कृषि उद्योग पे निर्भर है? आपने पढ़ा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कितनी आबादी है जो कि कृषि करती है ये आपको बताना है। तो ये है 58.9%, 58.9%। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो जो संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम बनाती है ये है
विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगला है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये थोड़ा स्टेट से क्वेश्चन हो गया एक, तो ये है पटना। इन ऑप्शनों में गौर करें तो पटना है जो कि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, तो कृषि को हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, कृषि को इंडिया में प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना परसेंट कृषि उद्योग का योगदान है, मतलब कि जो हमारी जीडीपी है राष्ट्रीय जो है उसमें कृषि का कितना योगदान है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर इन ऑप्शनों पे गौर करें तो इसके लिए आपका सही उत्तर होगा 17.5, 17.5 है सकल लाभ में, जो भी पूरे देश का सकल लाभ है उसमें लगभग 17.9 कृषि का शामिल है। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है, मतलब कि जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है भारत में, ये संस्था कौन सी है, यह है CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि बनाई गई थी 2 मई 1951 को। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सही उत्तर है भारत, भारत में मिश्रित है, यहाँ पे व्यापार भी है और कृषि भी है यानी कि मिश्रित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, देखिए देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपसे अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि जो योजना आयोग है अब ये नीति आयोग बन चुका है, नीति आयोग, इसका हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। भारत में वित्तीय वर्ष किसको कहा जाता है, वैसे तो आप देखेंगे तो भारत में कई तरह के वर्ष काउंट होते हैं, एक होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, एक होता है जिसे हम हिंदी का वर्ष बोलते हैं जो कि चैत बैसाख जेठ साल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है वित्तीय वर्ष, मतलब जहाँ पे हम वित्तीय काम करते हैं, तो ये होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, मतलब कि 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, 1 अप्रैल को नया साल शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिबोध से कैसा है, ये आपके विकल्प हैं, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन है, तो देखिए उत्पादन एवं आय गणना विधि सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तीनों होना चाहिए। अगला है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है, जैसे कि मुद्रा के आप कई रूप देखेंगे, जैसे कि एक तो जो पत्र के रूप में आप देख रहे हैं जिसपे 10 का रुपया लिखा है तो 10 का हो गया, उसी नोट पे 2000 लिखा है तो 2000 हो गया, कुछ सिक्के आप देख रहे होंगे, कुछ धातु की मुद्राएं हैं, तो इनमें से कौन आजकल सबसे ज्यादा मार्केट में है ये पूछा गया है। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा है पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलन में है। अगला है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था, देखिए एक मंदी आई थी करीब 1929 के आसपास, अगर एग्जैक्ट बताएं तो 1929 से लेके 1933 ये इसका एग्जैक्ट ईयर है, तो उस समय जो भयानक मंदी आई थी आर्थिक मंदी, उसको हम बोलते हैं तीसा की भयानक आर्थिक मंदी, तो इससे उबरने के लिए पहला सुझाव किसने दिया था, ये दिया गया था प्रोफेसर केन्स के द्वारा, प्रोफेसर केन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी ऐसी धातु है जिसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है मुद्रा के रूप में, तो यह है चांदी और सोना। पहले जब राजा महाराजाओं के जमाने में चांदी और सोने के सिक्के चलते थे, हालांकि तांबा के भी थे लेकिन चांदी और सोना का ज्यादा था।
अगला क्वेश्चन है कि गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? ये आपको बताना है, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? ये किया गया रैगनर नर्क्स के द्वारा, रैगनर नर्क्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? जैसे हमारे यहाँ रुपया है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, उसी तरह जो बांग्लादेश में है उसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टका, टका। देखिए इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पे हर जगह रुपया है, लेकिन वहाँ के अपने अपने देश का रुपया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? प्लास्टिक मुद्रा हम किसको कहते हैं? क्या हम एटीएम को कहते हैं, क्या कागज वाले नोट को कहते हैं, चेक को कहते हैं, या फिर ड्राफ्ट को कहते हैं? इसे कहते हैं एटीएम्स को, जो एटीएम है उसको हम प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या आप बता पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। ऑटोमेटिक नहीं होता है, आपको पहले ही बता दें, ए से ऑटोमेटिक नहीं होता है, आप सही वाला कमेंट करिएगा। अगला है कि इनमें कौन साख का आधार नहीं है? साख का आधार नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए साख का आधार मतलब क्या होता है, क्रेडिट। जैसे आपको लोन चाहिए तो आपको क्रेडिट देना पड़ता है, मतलब दिखाना पड़ता है, तो ये साख का आधार नहीं है, शिक्षा, शिक्षा। अगला है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? अभी हमने बताया था, जब हमने ये बताया कि प्रोफेसर केन्स ने इसके लिए सुझाव दिया था, तभी हमने आपको बताया था कि इसका टाइम पीरियड है 1929 से लेकर के 1933 तक। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? आपको बताना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ये की गई थी सन 1975 में, सन 1975 में। देखिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपको बता दें आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, और अगर आप इस तरह का टेस्ट खुद भी देना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप टेस्ट दे पाएंगे। क्वेश्चन है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि मतलब किस मुद्रा को वैधानिक मुद्रा प्राप्त है? क्या किसी वस्तु मुद्रा को वैधानिक मुद्रा प्राप्त है? नहीं, साख वाले को भी नहीं प्राप्त है, चेक मुद्रा, पत्र मुद्रा को प्राप्त है, चेक को भी नहीं प्राप्त है। यानी कि सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? गैर संस्थागत, लेकिन जो वित्त प्रदान करते हों, तो देशी बैंकर तो संस्थागत हैं, महाजन के बारे में नहीं बता सकते, व्यापारी भी एक तरह से संस्थागत में आ जाएंगे और सहकारी बैंक भी, लेकिन जो महाजन है ये गैर संस्थागत है और ये वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मतलब कि हमारी राजधानी दिल्ली है इंडिया की, लेकिन वित्तीय राजधानी कहते हैं मुंबई को, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र को। अगला है कि अर्थशास्त्र किनकी रचना है? यह एक बुक है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि एक राजा को कैसे राज करना चाहिए, अपने विरोधी राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह बताया गया है इस अर्थशास्त्र में। तो इसको लिखा गया है चाणक्य के द्वारा। चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, और इसका कहीं भी इकोनॉमी से संबंध नहीं है। अगला है कि इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? पूरे एशिया का आपको बताना है। ये जो शेयर बाजार है ये है मुंबई, मुंबई में जो शेयर बाजार है ये पूरे एशिया का शेयर बाजार है। आप देख सबसे बड़ा, सबसे पुराना। आप देखेंगे कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर ये पूछ ले कि सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था?
आपको बताना है, राष्ट्रीय आय समिति इसका गठन हुआ था 1949 में, 1949 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पे है, मतलब कि जिसमें गांव के लोगों को हम 100 दिन रोजगार की गारंटी देते हैं एक साल में, ये किस महापुरुष के नाम पे है। पहले नरेगा था लेकिन बाद में ये मनरेगा हो गया, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, और ये कब लागू किया गया, 2006 में। इसमें किसी भी गरीब व्यक्ति को हम 100 दिन का रोजगार देना गारंटी करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है, तो माध्यम है, मापन भी है, भुगतान भी है, लेकिन लेखन और संपादन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन विधि ग्राह मुद्रा है, आपको बताना है ग्राह मुद्रा, तो ये है 10 रुपए का नोट। आप देखेंगे कि ये एक एग्जैक्ट ग्राह मुद्रा का रूप है, तो इसके लिए यही उत्तर सही होगा। अगला है कि किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, ये किसका कथन है, ये आपको बताना है। ये कहा गया था पीकू के द्वारा, पीकू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, ये आपको बताना है। ये हुआ 1904 में, 1904 में हुआ सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है, ये किसका कथन है, ये आपको बताना है। महान अर्थशास्त्री थे, उनका कथन है ये, तो आपको बताना है कि किसके द्वारा कहा गया था। ये कहा गया था केन्स के द्वारा, प्रोफेसर केन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, तीसरा है सेवा क्षेत्र, पहला है कृषि, दूसरा विज्ञान, तीसरा है सेवा क्षेत्र। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, यहां पे देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड का वक्त मिलेगा और 4 विकल्प, आपको अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताना होगा। स्वर्ण जयंती योजना शुरू की गई थी रोजगार के लिए, और शुरू की गई थी 1997 में, 1997 में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना शुरू की गई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि कैसे क्यों, तो शहरी रोजगार के लिए, शहरी रोजगार के लिए। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई, जैसा कि आप देखेंगे कि इस समय उपभोक्ता के जागरूकता के लिए सरकार कई तरह के एड विज्ञापन चलवाती है, और उसमें ये होता है कि अगर आप कहीं से ठगी के शिकार हुए हैं तो आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ये एक आंदोलन का रूप सबसे पहले किस देश में लिया, तो सबसे पहले उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन शुरू किया गया था इंग्लैंड में। आप देखेंगे कि जो भी संसदीय सिस्टम है हमने हूबहू इंग्लैंड से लिया है, यानी कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन भी हमने इंग्लैंड से ही लिया है। अगला है कि इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कहने का मतलब कि भारतीय कंपनी कौन है इनमें से, वही आपको बता देना है, केवल 2 सेकंड है आपके पास। सही है डाबर, डाबर इंडियन कंपनी है, बाकी नोकिया और सैमसंग विदेशी है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत बनाए, देखिए जो कि उपभोक्ताओं का अधिकार होता है ये यूएन द्वारा बनाया गया। आप देखेंगे कि यूएन को खुद बनाया गया था 1945 में, तो यहां पे आपको बताना है कि इस यूएन ने उपभोक्ताओं के लिए अधिकार कब बनाए। यहाँ पर आपके आपको मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प मिल रहा है, ये बनाया गया 1985 में। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू किया गया,
क्वेश्चन हम एक बार पढ़ेंगे, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है। देखिए, यहाँ पूछा गया है कि नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम ये शुरू किया गया था जुलाई 1991 में, जुलाई 1991 में। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं, आपको बताना है मानवाधिकार की जो आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1993 में, और हम जैसा कि आपको बता चुके हैं हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं, क्योंकि ये दिसंबर में ही है, इसलिए आप इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है 1, 2, 3 और 7, सारे ऑप्शन दिसंबर में हैं। आप अपना उत्तर कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि पार्ले ग्रुप के जो थम्सअप है इस ब्रांड को किस कंपनी ने खरीदा था। जो थम्सअप है इसको किस कंपनी ने खरीदा, ये आपको बता देना है। तो इसको खरीदा कोका कोला ने, कोका कोला ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में मनाया जाता है हर साल, ये आपको बताना है कब। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। देखिए, यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि भले ही भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन यह पूरे वर्ल्ड में 15 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है इंडिया में, 14 सितंबर को, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो 10 जनवरी को। इंडिया में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो 5 अक्टूबर को। भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो कब मनाया जाता है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये 12 ही होता है, लेकिन मंथ कौन सा होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण किससे होता है, मतलब कि एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, ये पूछा गया है। तो कृषि का तो जरूरत पड़ेगी ही, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में लगभग 58% लोग केवल खेती पर आश्रित हैं। उद्योगों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें से अब आप देखेंगे कि करीब करीब 42% लोग हैं जो कहीं ना कहीं और आश्रित हैं खेती के अलावा, और इन्हीं 42 में से सेवा क्षेत्र में भी है, यानी कि तीनों की जरूरत पड़ेगी एक अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए। अगला है कि ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है। ONGC इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। केवल 2 सेकंड है आपके पास सारे क्वेश्चंस का उत्तर देने के लिए। ये है देहरादून में, देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी, जो कि उत्तर प्रदेश से कट करके बना था 2000 में 13 जिलों के साथ। अगला क्वेश्चन है कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है, इनमें से आपको बताना है। क्या हम कंप्यूटर हार्डवेयर में सफल हो गए हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। आज भी हम हार्डवेयर के लिए कुछ न कुछ विदेशों पे डिपेंड है, लेकिन सॉफ्टवेयर के मामले में हमने अच्छा खासा काम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है। बड़ी इलायची पूछा गया है, सही उत्तर है सिक्किम, सही उत्तर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में इसकी घोषणा की गई थी 1986 में, 1986 में। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर के आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और इस तरह का टेस्ट आप दे सकते हैं बड़े ही आसानी से।
अगला है कि भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज कौन सा है। देखिए वैसे आप देखेंगे तो ये तो उतना नहीं है, लेकिन आपको गेहूं और चावल में ज़्यादा सोचना पड़ेगा। लेकिन आपका सोचना मतलब आपके लिए क्वेश्चन आसान तब हो जाएगा जब आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारत में कौन ज़्यादा होता है, गेहूं या फिर चावल। सही उत्तर है चावल, यानी कि भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है चावल। चावल के लिए सबसे आगे आने वाला राज्य कौन है, वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी सबसे पहले। सबसे पहले किस देश के संविधान में उपभोक्ता अधिकार के बारे में बात की गई, ये पूछा गया है। सही उत्तर है अमेरिका, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू की गई। तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई 1991 में। आपने पढ़ा होगा कि उस समय वर्ल्ड लेवल पे एक आर्थिक मंदी आई थी और इसका अच्छा खासा असर भारत में भी था। उस समय हमारे आरबीआई के गवर्नर थे मनमोहन सिंह, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो उसी समय भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। देखिए अगर ये पूछ लिया जाए कि सोना मतलब किसी भी तरह के गहनों की गारंटी कौन देता है, तो हम हॉलमार्क बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे बताना है भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी। अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए 2 सेकेंड के अंदर। सही उत्तर है एक मार्क। एक मार्क भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। अगला है कि भारत के कौन से दो राज्य हैं जो कि खनिज तेल के लिए अग्रणी उत्पादक हैं, मतलब कि किन दो राज्यों में खनिज तेल का उत्पादन होता है, ये बताना है आपको इनमें से। तो ये है असम और गुजरात, असम और गुजरात। अगला है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये पूरा वर्ल्ड लेवल का है। वर्ल्ड लेवल का कब मनाया जाता है, अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले 15 मार्च को। केवल इंडिया का पूछ ले मतलब राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछ ले तो 24 दिसंबर को। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। केरल जहाँ की साक्षरता अगर देखेंगे तो सबसे अधिक है पूरे इंडिया में, यहाँ लिंगानुपात भी सबसे सही है, तो केरल है जहाँ पे काली मिर्च का उत्पादन होता है। अगला है कि उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन है जो कि इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, नाम था राल्फ नादर। राल्फ नादर ये उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है। काजू काजू का है केरल। तो चलिए कमेंट करके बताइए केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। ऑप्शन चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, ये आपके ऑप्शन है। कमेंट करके बताइएगा अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया। ये लागू किया गया 2011 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है। आर्द्र कृषि ये कृषि का एक रूप है और ये होता है केरल में। केरल में होता है आर्द्र कृषि। अगला है कि आईएसओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आप बताइए। देखिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है 2 सेकेंड, तो आप इन्हीं 2 सेकेंड में अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। इसका मुख्यालय है जिनेवा में। भारत में अधिकतम बेरोजगारी है। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेरोजगारी कितने तरह की होती है, तकनीकी बेरोजगारी क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है। सबसे पहले जानिए कि बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी वो चीज़ है कि वहाँ पे लोग उपलब्ध हैं काम करने के लिए और वो काम करना चाहते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो भी उस समय का रेट भाव चल रहा है पर डे का, पर महीने का, उस पैसे पर अगर वो व्यक्ति काम करने को तैयार
तैयार है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि बेरोजगार है या फिर बेरोजगारी है। पता चले काम है लेकिन वो कह रहा है कि हम उससे ज़्यादा पैसे पे करेंगे, उतने पे नहीं करेंगे, तो वहाँ पे बेरोजगार उसको नहीं कहेंगे। ठीक, तो बेरोजगार उसी को कहेंगे, बेरोजगारी उसी को कहते हैं जहाँ पर व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है उतने ही पैसे पे, लेकिन वहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, उसे हम कहते हैं बेरोजगारी। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इसमें बेरोजगारी को जानना होगा, ये कई तरह की होती हैं, जिसमें से पहला होता है मौसमी बेरोजगारी। जैसा कि आप नाम से ही देखेंगे, मौसमी बेरोजगारी मतलब कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें होता क्या है कि आप जो गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, वो अपना खेती बाड़ी के दिनों में, जैसे कि धान लगाना हुआ तो उस समय काम मिल गया उनको, धान लगाए, धान काटना हुआ, धान सुहाना हुआ तो उस समय बस उनको काम मिलता है, बाकी समय पे वो बैठे हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे मौसमी बेरोजगारी, जो कि एक मौसम के जाने के बाद आ जाती है। जैसे गेहूँ लगाना हुआ, उसको बोना हुआ तो काम मिला, फिर गेहूँ बोने के बाद बेरोजगार हो गए, इसको कहेंगे मौसमी बेरोजगारी। दूसरी जो बेरोजगारी होती है उसे हम कहते हैं प्रच्छन्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये है कि अगर कुछ लोगों की उत्पादकता बिल्कुल शून्य हो, यानी कि जिन लोगों को उस काम से हटा लिया जाए और उनके काम में कोई अंतर ना हो, कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, पर डे का 1,000 जूते बना रहे हैं, ठीक, बाद में इस कंपनी ने क्या किया कि छटनी करके इसमें से 100 लोगों के जगह पे केवल 60 लोगों को ही काम पे रखा, बाकी 40 को बाहर कर दिया। कंपनी इसमें जो 60 लोग हैं फिर भी ये 1,000 जूते बना रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पे बेरोजगारी अब है या थी, ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब कि जो हटाए गए उनके काम का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अब देखिए जो अगली बेरोजगारी होती है, ये होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब ये है कि यह दीर्घकालिक मतलब कि बड़ी स्थिति में आती है, कहने का मतलब कि भारत में पहले बन रहे थे स्कूटर, ठीक, अब स्कूटर धीरे धीरे प्रयोग होना बंद कर दिए गए, लेकिन इसकी कंपनी तो चल रही थी, उसमें लोग भी थे, तो अब क्या होने लगा कि स्कूटर की जगह पे कार ज़्यादा बनने लगी, अब स्कूटर की कंपनी बंद होने लगी। जब कंपनियां बंद होने लगी तो इसमें जो लोग यूज काम कर रहे थे, चाहे वो मिस्त्री हो, लेबर हो, जो भी हो, तो वो बेरोजगार हो गया, इसे हम कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। इसी तरह जो ये अभी हमने आपको 3 बताया, ये केवल विकासशील देशों में पाया जाता है जैसे कि इंडिया, लेकिन कुछ बेरोजगारी होती है जो विकसित देशों में भी पाई जाती है, उसमें होता है चक्रीय। इसमें क्या होता है कि जब रोजगार और उत्पादन में कम बेसी होगा तो चक्रीय होता है, उसी में होता है प्रतिरोधात्मक, तो उसमें क्या होगा कि टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे कि यहाँ पे 100 लोगों का काम है लेकिन एक मशीन ला दिया हमने और उसको 5 लोग मिल करके, 5 मशीन चला करके 100 लोगों से अधिक काम कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो 95 लोग निकाले गए उनको हम कहते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। तो इस तरह की कई बेरोजगारी होती हैं। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि भारत में अधिकतम बेरोजगारी कौन है, तो ये है संरचनात्मक, संरचनात्मक। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और वहाँ आप वो पीडीएफ को जल्दी से पढ़ पाएंगे कम समय में, इस वीडियो को एक बार देखने के बाद। तो पीडीएफ के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको इस तरह के प्रश्नों का टेस्ट देने का फायदा भी मिलेगा, मतलब कि हर तरह के जीके के क्वेश्चन आपको टेस्ट देने को मिलेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उत्पन्न होती है इंडिया में। बेहद आसान क्वेश्चन है, असम। अगर पूछ ले कि सबसे बढ़िया वाली चाय कहाँ मिलती है इंडिया में, तो दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। लेकिन अगर अधिक क्वांटिटी पूछ रहा है तो आपको असम ही ट्रिक करना होगा। अगला क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था, इस देश की अर्थव्यवस्था, दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था, उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, इसका क्या मतलब है? तो बंद अर्थव्यवस्था का ये मतलब है कि ना तो वो किसी से सामान लेगा, ना तो अपना सामान किसी को बेचेगा, यानी कि आयात नहीं करेगा और निर्यात नहीं करेगा, इसको हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकेंड है, आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो ऑफलाइन होगी तो आपको ऑनलाइन की जरूरत नहीं है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिए। सही उत्तर है उद्यमों का स्वामित्व, मतलब कि आप देखेंगे जैसे कि जो
बस होती है, रोडवेज की बस, उसको गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन उन्हीं बसों में से कुछ ऐसी बस होती हैं जिनको प्राइवेट तौर पे चलाया जाता है। तो ये सार्वजनिक हो गई और ये निजी हो गई, यानी कि उद्यमों का जो स्वामित्व है ये इसमें निजी और सरकारी दोनों होते हैं। अगला है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है किस क्षेत्र में। ये पूछा गया है कि जो प्रचंड बेरोजगारी है किस क्षेत्र में दिखाई देती है, तो ये दिखती है आपको कृषि के क्षेत्र में। कृषि में क्या होता है कि कुछ समय तक काम मिला, फिर काम खत्म, तो इसको अभी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में अच्छी तरह से आपको बताया है। अगला है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन करता है। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आता है ये आता है IBRD का। अगला है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक फसल, तो देखिए ये हो गया है ये रेड कलर में, लेकिन ये उत्तर सही नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है। कहने का मतलब कि कौन सबसे ज्यादा एरिया में बोया जाता है। 2 सेकंड आपके पास। सही उत्तर है चावल। चावल मिलता है धान से, लेकिन अगर देखा जाए तो हम चावल का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन नहीं करते हैं, सबसे एक नंबर पे है चीन, तब जाके इंडिया का नंबर आता है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि इंडिया में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन करता है, तो वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गरीबों का परसेंटेज सबसे अधिक है, कहाँ गरीबी ज्यादा है ये बताना है आपको। 2 सेकंड आपके पास। सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, कैपिटल ऑफ उड़ीसा कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है। कोयले की खान कहाँ पाई जाती है सबसे अधिक भारत में, ये आपको बता देना है। ये भी आसान क्वेश्चन है, सही उत्तर है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, मतलब जो हमारी इनकम है नेशनल इनकम, उसमें सबसे अधिक पैसा कहाँ से आता है, यही पूछा गया है आपसे। क्या उद्योगों से आता है, क्या कृषि से, व्यापार क्षेत्र से, या फिर सेवा क्षेत्र से। सही उत्तर है सेवा क्षेत्र, मतलब कि जो आपसे टैक्स लिया जाता है कई तरीकों में, GST हुआ, तो इस तरह का जो टैक्स लिया जाता है यहाँ से सबसे अधिक पैसा आता है भारत सरकार के पास। अगला है कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है, किसने शुरू किया मानव विकास सूचकांक को, यह आपको बताना है। तो ये है महबूब उल हक, महबूब उल हक। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। 2 सेकंड हम रुक रहे हैं आपके लिए ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। सही उत्तर है राष्ट्रीय आय से। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। सबसे पहले ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इनको हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहला राष्ट्रीय आय का अनुमान किया था। अगला है कि ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ग्रेसम का नियम क्या कहता है, ग्रेसम का नियम किस बारे में है ग्रेसम का नियम। तो ग्रेसम का नियम बताता है मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा का प्रचलन। देखिए यहाँ पे एक ही चीज 2 बार लिखी गई है जो कि बाई मिस्टेक हो गया है, तो मुद्रा का प्रचलन आपका सही उत्तर है, आप इसको मानिए या फिर इसको मानिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है। जब हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं किसी भी देश का, तो वहां पे जो राष्ट्रीय आय होता है उसमें हम भाग देते हैं किससे, देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 100 करोड़ रुपए है इंडिया के पास, तो कितने लोग हैं, 1,000 लोग हैं, बांट दीजिए, तो इस तरह जो बचेगा वो एक व्यक्ति का पैसा होगा। अगला है कि देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर है 1950, 1950। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। 2 सेकंड लीजिए और अपना उत्तर जरूर कमेंट करके बताइए, तभी आप बता पाएंगे, जान पाएंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, आपकी तैयारी कितनी है, आपको और क्या कितना तैयार करना है। सही उत्तर हैदराबाद। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग करके किया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है यह आय विधि से होता है, उत्पत्ति और गणना विधि से भी होता है,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें ये कहा गया है कि ये और भी दोनों सही हैं। अगला है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह सबसे पहले किसने कहा था? पैसा ही पैसा बनाता है, तो आपको बताना है कि मुद्रा वाला ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया था। ये दिया गया था क्रोमर के द्वारा, क्रोमर के द्वारा। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय स्तंभकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? जो भारत में किया जाता है राष्ट्रीय आय स्तंभकों का, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा, 1997 से शुरू किया गया। अगला है कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? मतलब भारत में इस समय 28 राज्य हैं, ठीक, 3 यूनियन टेरिटरी हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा राज्य है जो पहले सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी की। ये है मध्य प्रदेश, कैपिटल है भोपाल, इसका हाई कोर्ट है जबलपुर में, गलती से भोपाल मत ट्रिक करिए, जबलपुर में, जहाँ पे एक वाटरफॉल भी है और ये है धुआंधार वाटरफॉल जिसको नर्मदा नदी बनाती है, जिसको हम लाइफ ऑफ गुजरात कहते हैं, गुजरात की लाइफ लाइन कहते हैं इसको। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सबसे अधिक योगदान देता है? यह है तृतीयक क्षेत्र। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? उदारीकरण का अग्रदूत ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे एक्स प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 2004 से लेकर के 2014 तक। हालांकि इन्होंने जो इकोनॉमिक्स के लिए काम किया था ये 1991 में किया था, तो इसके लिए इनको भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत बोला जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सा है? आर्थिक विकास की बेहतर माप, मतलब कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कैसे, तो ये पता चलेगा प्रति व्यक्ति आय से, एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है एन एवरेज, और उसी से देश की पूरी आर्थिक विकास का पता चल सकता है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा धनी है? धनी का मतलब कि वहां कम लोग हैं पैसा ज्यादा हो, ये कहने का मतलब ये है गोवा। अगर गरीब देख लिया जाए तो उड़ीसा। गोवा की राजधानी कहाँ है, क्या आप बता पाएंगे? तो बताइएगा कमेंट करके, बेहद आसान क्वेश्चन है। कि किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया गया है हार्ड करेंसी, पहले आप इसका उत्तर बताइए फिर हम आपको हार्ड करेंसी का मतलब बताते हैं। देखिए इसके लिए सही उत्तर है विकासशील विकसित देशों के, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका पहला उत्तर सही है, पहला ऑप्शन। हार्ड करेंसी माने वे करेंसी जिनसे कि अन्य करेंसियों का तुलना होता है, जैसे कि रुपये का निर्धारण कहाँ से होता है, तो डॉलर से, ठीक। तो इस तरह रुपये के सामने डॉलर एक हार्ड करेंसी है, तो आप देखेंगे कि जो भी विकसित देश है उनके पास प्रायः हार्ड करेंसी होती है। विकसित मतलब वे देश जो कि विकसित हो चुके हैं, विकासशील मतलब वो देश जो कि विकसित होने के प्रयास में है, जैसे कि भारत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है ब्याज दर में कमी। देखिए मुद्रा स्फीति का पहले आपको मतलब समझना होगा, इसमें क्या होता है कि इसका मूल्य, वस्तुओं का मूल्य लगातार बढ़ता है, इसको कहते हैं मुद्रा स्फीति। तो इसका नियंत्रण में अगर आप ब्याज दर में कमी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? मतलब कि RBI का जो नोट प्रिंटिंग प्रेस है बैंक नोट वाला, ये कहाँ प्रिंट होता है, ये आपको बताना है। इनमें से ये होता है देवास में। आगे बढ़े, अगला है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? बैंकों का बैंक ये है, कमेंट करके बताइए, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक को 1935 में 1 अप्रैल के दिन बनाया गया था, उस समय अंग्रेजों का राज था, इसे 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया। कई बार पूछा गया है कि किस कमीशन के कहने पे बनाया गया, तो यह था हिल्टन यंग कमीशन, कई बार ये पूछा गया है,
हिल्टन यंग कमीशन। इसको 1949 में राष्ट्रीयकृत करने के बाद इसे बैंकों का बैंक बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी हमने आपको बताया है, इसे हम कहते हैं मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति मतलब कि किसी भी वस्तु की या फिर कई वस्तुओं की जो कीमत है लगातार बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? 2 सेकेंड है आपके पास, आप अपना उत्तर चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल खाता नहीं खोल सकता है क्योंकि यह बैंकों का बैंक है, किसी व्यक्ति का बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ जो 1,500 के जो पुराने नोट थे उसे बंद कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और उनके जगह पे नई मुद्रा चलाई गई, तो इसे हम कहते हैं विमुद्रीकरण, नोटबंदी विमुद्रीकरण। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, दिलचस्प क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत में अभी जल्दी में ही विमुद्रीकरण कब किया गया था, जिसका घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई वह डेट कौन सा था, यह आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जैसे बाजार में क्या रूल हो, जैसे कि आप देखेंगे कि जब भी कोई वस्तु की कमी होती है उसका रेट बढ़ने लगता है, यानी कि ये जो बाजार का नियम है इसको कौन दिया था? ये दिया गया था जेबी के द्वारा, जेबी इनका शॉर्ट नाम है इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है, मतलब कि हम अपना नॉर्मल वर्ष मनाते हैं कब, जनवरी से लेकर के दिसंबर, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक का वर्ष कब से कब होता है? तो ये शुरू होता है 1 अप्रैल को, खत्म होता है 31 मार्च को, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होता है कौन? अगर मतलब कि मार्केट में हमेशा मुद्रा स्फीति बनी हुई है तो लाभ किसको होगा और हानि किसको होगी? देखिए, लाभ मिलता है ऋणी को, जो व्यक्ति ऋणी है उसको लाभ मिलता है, और हानि किसको होती है? तो लेनदार को। ठीक, हानि होती है लेनदार को। जैसे देखिए, अभी आगे क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था, यहां पे 4 विकल्प है, आपको अपना उत्तर 2 सेकंड में बताना होगा। सही उत्तर है आपका यूटीआई। फुल फॉर्म क्या होगा यहां पे लिख देते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यह है भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा स्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो ये होती है लेनदार को, लेनदार को। यहां पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाए। अगला क्वेश्चन है कि बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, केवल 2 सेकंड आपके पास, सही उत्तर है 1875। अगला क्वेश्चन है कि गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एंड बाजार किस चीज से संबंधित है? यह होता है सोना चांदी से, सोना चांदी से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संतुति किस समिति के द्वारा की गई थी? मतलब किसके कहने पे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया था? तो ये था फेरवानी समिति, फेरवानी समिति। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले, अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आप इस वीडियो के जो भी क्वेश्चन है उनको टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ऐप का, उसे आप डाउनलोड करने के बाद बड़े ही आसानी से इसका टेस्ट भी दे पाएंगे, पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगा। क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट, यहां पे आपको एक चीज समझना होगा, 1 रुपए की नोट छोड़कर, 1 रुपए की नोट नहीं, तो इसको जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा। अब 1 रुपए की नोट कौन जारी करता है?
तो ये जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। 1 रुपए का जो भी नोट होगा वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। वित्त मंत्रालय के लिए एक मंत्री होता है जिसको हम फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री बोलते हैं, जो कि हमारा बजट पेश करता है। लेकिन 1 रुपए के अलावा जो और भी नोट होते हैं, जैसे 5, 10, 20, 500, 1000, 2000, ये सब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। यहां पे हम रुक रहे हैं ताकि सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बता पाए। अगला है कि भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना कब हुई थी। यूनिट टेस्ट ये हुई थी सन 1964 में, 1964 में। अगला क्वेश्चन है कि फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। जैसे हमारे यहाँ RBI है, तो फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ का है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का। देखिए ये तो इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री और हिंदी, इस तरह के जो भी GK के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने अपने ऐप पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आप ऐप डाउनलोड करके उन टेस्टों को देते हैं तो आपके एग्जाम के लिए वो बेहद फायदेमंद साबित होगा। अगला क्वेश्चन है कि चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है। एक सितारा है जो कि चमकता हुआ है, तो ये किस बैंक का लोगो है। ये होता है BOI का, मतलब कि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। जैसे कि मुद्रा का हम संचय कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, उसका हस्तांतरण कर सकते हैं, मतलब कि एक से दूसरे जगह भेज सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन उसका स्थिरीकरण नहीं कर सकते हैं, तो ये मुद्रा का काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है, मतलब कौन है जो कि स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करती है, उसके लिए नियम बनाती है। इनफैक्ट आप ये भी जानिए कि जो LIC है या फिर इस तरह के जो भी संस्थाएं हैं उनके लिए नियम बनाने का काम SEBI का ही होता है, तो होता है SEBI। फुल फॉर्म जानिए, सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कई बार इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसको हम क्या कहते हैं, जो तुरंत पलायन कर जाती हो, पलायन मतलब कि दूर चली जाना, यानी कि इसे हम कहते हैं गर्म मुद्रा, गर्म मुद्रा। अगला क्वेश्चन है कि निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है। निफ्टी तो यह है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE का, NSE का। आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, PDF डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिलेगा। क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपको बताना है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, यह किया गया था 1985 में। दलाल स्ट्रीट कहां स्थित है, जहां पे शेयर मार्केट का ये काम होता है, ये एक जगह है दलाल स्ट्रीट। आपको बताना है कि इनमें से ये कहां पर लोकेटेड है। आपको हर एक क्वेश्चन का 2 सेकेंड समय मिलेगा, इन्हीं 2 सेकेंड में आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। सही उत्तर है मुंबई, मुंबई में है दलाल स्ट्रीट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। यहां पे आपके ऑप्शन है, 2 सेकेंड का समय है। सही उत्तर है फेडरल बैंक। देखिए पहली बार 1969 में 14 बैंकों का किया गया, बाद में 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन इनमें फेडरल बैंक नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है फेडरल बैंक। अगला क्वेश्चन है कि सरकार आर्थोपाय ऋण लेती है, मतलब कि इनमें से सरकार किससे ऋण लेती है, ये आपको बताना है। IDBI है, RBI है, SBI है, ICICI है। सही उत्तर है RBI से। RBI जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये बना था 1 अप्रैल 1935 में, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे बनाया गया। हिल्टन यंग कमीशन, इसको 1949 में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया,
इसे हम बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप देखते हैं हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से हैं, अलग अलग इनकी शाखाएं हैं। इनमें से जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना था इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया आपसे। देखिए आपके लिए 2 सेकंड है, सही उत्तर है 1975, मतलब कि पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है। इनमें से आपको बताना है कि जो कोई उद्यमी होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है। देखिए अगर इसमें से देखा जाए तो प्रबंधन, जोखिम उठाना और विपणन और ये सभी, यानी कि ये सभी काम उसका हो सकता है। वो प्रबंधन भी करता है और लेकिन उसका जोखिम उठाना उसका भी काम होता है, क्योंकि उसको रिस्क लेना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। जो कागज के नोट हैं अधिकतर नोट कौन जारी करता है ये आपको बताना है। ये जारी किया जाता है RBI यानी कि रिजर्व बैंक के द्वारा। हालांकि इसका एक अपवाद भी है, जो 1 रुपए की नोट होती है इसको वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त मंत्रालय। तो कागजी नोट में ये भी आता है लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अगर 1 रुपए की नोट की बात हो रही है तो इसको जारी करता है वित्त मंत्रालय। इसके अलावा जो भी नोट है उनको जारी करता है रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। सही उत्तर है 1992। 2 सेकंड में आप अपना उत्तर देते रहिए और वीडियो लग के खत्म होने के बाद बताइएगा कि आपने 25 में से कितना किया। नबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नबार्ड की जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, यह है नबार्ड, नबार्ड। तो नबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी। 4 ऑप्शन, 2 सेकंड का समय। यहां पे आपको बताना है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, सही उत्तर 1948, मतलब आजादी के समय। अगला क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच में क्या संबंध होता है। मतलब कि मुद्रा का मूल्य में और अगर कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में एक रेशियो देखा जाए या फिर कोई रिलेशनशिप देखा जाए तो क्या होता है। क्या ये स्थिर होते हैं या अनुलोम होते हैं। अनुलोम का मतलब कि मुद्रा बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगा या फिर मुद्रा बढ़ेगी तो कीमत घटेगा, तो यही सही होता है। इसमें प्रतिलोम का रिलेशन होता है, यानी कि मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो कीमत स्तर घटेगी। अगला है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया। इनमें से देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो वहां पे जब हमने औद्योगिक चीजों पर ध्यान देना शुरू किया तो हमने कई देशों से सहयोग लिया, और जो दुर्गापुर का इस्पात संयंत्र है ये बनाया गया था ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से। ग्रेट ब्रिटेन जिसकी कैपिटल है लंदन। क्या आप बता पाएंगे कि लंदन किस नदी के किनारे है। अगर हाँ तो बताइएगा, और उस नदी का नाम है टी से। आपको हिंट दे देना है, उस नदी का नाम है टी से। अगला क्वेश्चन है कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष शुरू की गई। जैसे कि रुपया है, डॉलर है, और भी इस तरह की मुद्राएं हैं, उसी तरह जो यूरो कहा जाता है, यूरो है, वो कब से शुरू किया गया ये आपको बताना है। यूरो तो ये शुरू किया गया था 1999 में। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इनमें से कौन है जिसमें से भारत जिसको पहले नंबर पर उत्पादित करता है, मतलब कि जो पूरा विश्व करेगा भारत उससे ज्यादा करता है, पहले नंबर पे है, ये है अब्रक, अब्रक। अगला क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। बोकारो जो कि झारखंड में है, जैसे कि अभी आपने देखा दुर्गापुर, तो ये ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था, लेकिन जो बोकारो का स्टील प्लांट है ये बनाया गया है रूस की सहायता से। रूस के प्रेसिडेंट है इस समय व्लादिमीर पुतिन, जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी। खनिज नीति ये घोषित की गई थी 1951 में। अगला क्वेश्चन है कि अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है।
आपके पास 2 सेकंड का समय है। इसे माना जाता है मानव पूजी, मानव पूजी। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है, मतलब कि भारत किसको भेजता है। 2 शब्द होते हैं, एक होता है निर्यात, एक होता है आयात। आयात मतलब कि अपने में आने देना, आना। निर्यात मतलब कि भेजना। तो किसको निर्यात करता है ये आपको बताना है, मतलब कि किसको लौह अयस्क निर्यात करता है ये आपको बताना था। सही उत्तर है जापान। जापान, जापान की राजधानी कहाँ है, क्या आप कमेंट करके बता पाएंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है, फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है। तो यह है रोजगार के सृजन की दृष्टि से, मतलब कि अगर आपको रोजगार में बढ़ावा लेना है भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो आपको लघु और कुटीर उद्योग पर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या अधिक है तो सबको आप गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन है। औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन, कई लोग RBI कहेंगे, हालांकि ये क्वेश्चन उत्तर गलत होगा। सही उत्तर है IDBI, IDBI। अगला क्वेश्चन है कि जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उनको क्या कहते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर है आर्थिक वस्तुएं, उनको हम बोलते हैं आर्थिक वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है, मतलब कि ऐसा कौन सा देश है जहां पे सोने का सर्वाधिक खपत होता है। खास करके सोने का खपत कहाँ होगा आभूषण बनाने में, तो ये होता है भारत में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या अधिक है, तो इसलिए यहाँ पे खपत भी ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है। वास्तविक मजदूरी का बताना है आपको, तो ये होता है मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान कौन सा है। तो बॉक्साइट में भारत का स्थान 5वां, यानी कि 5th, 5वां स्थान है। अभ्रक में पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है। उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक, सही उत्तर है पूंजी, पूंजी। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो कि उद्योगों को दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध करवाती है, मतलब लंबे समय के लिए ऋण देता है कौन, ये आपको बताना है। तो LIC भी देती है, GIC भी और UTI भी, यानी कि सही उत्तर होगा ये सभी। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति को इनमें से आप किससे परिभाषित करेंगे। आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड मिलेगा, अगर आप चाहें तो इसी 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, जो स्टैगफ्लेशन होता है इसका मतलब होता है मुद्रा स्फीति और गतिरोध। देखिए, मुद्रा स्फीति और मंदी में अलग अलग चीजें हैं। मुद्रा स्फीति का मतलब ये होता है महंगाई, एक आसान शब्द में कहे तो महंगाई, मतलब कि पैसे की वैल्यू कम हो जाना। जब पैसे की वैल्यू कब कम होती है, आप देखेंगे कि आज से 20 साल पहले 100 रुपए में जितना सामान मिल पाता था, क्या आज उसी 100 रुपए में उतना सामान मिल पाएगा, नहीं। तो इसे हम कहते हैं मुद्रा स्फीति। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बात होती है कि अगर ये प्रक्रिया आने में जल्दी हो जाए, जैसे कि अभी 2019 में किसी वस्तु का दाम 100 रुपए है और 2020 में सीधे इसका दाम 400 रुपए हो जाए, तो इसे हम मुद्रा स्फीति का नाम देंगे। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रोकार्ड किस कंपनी के द्वारा जारी किए जाते हैं। आपको 2 सेकंड मिलेगा अपना उत्तर बताने के लिए। अगर आप चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चनों का टेस्ट देना, तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे दिया जा चुका है। आपको उस ऐप में सारी चीजें मिलेगी, जैसे कि करंट अफेयर, इंडिया GK, वर्ल्ड GK, इकोनॉमिक्स, पोएट्री, सब कुछ मिलेगा आपको। तो आप वहां जाके टेस्ट भी दे पाएंगे।
तो पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड जारी करने का अधिकार है बीपीसीएल का, बीपीसीएल का। अगला है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आपको लघु उद्योग बताना है, मतलब छोटा उद्योग हो जो कि छोटे स्तर पे चलता हो लेकिन महत्वपूर्ण भी हो, तो ये है हथकरघा उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। अभी आपने देखा लघु उद्योग, हथकरघा, लेकिन जो सबसे बड़ा उद्योग है उसी से रिलेटेड है और ये है कपड़ा उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो ये है हैदराबाद में, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला। क्योंकि हमने हरित क्रांति का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि हमें अपने खाद्यान्न को उत्पादन में उनकी उनकी उत्पादन की मात्रा बढ़ानी थी, लेकिन गेहूं और धान में ज्यादा करके इसका असर दिखा, लेकिन इसमें से किसमें उसका असर सबसे कम दिखा, तो ये था दलहन, दलहन मतलब कि दाल वाले फसलें। चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौवा स्थान है। तो वैसे तो इंडिया में देखा जाए तो कई स्टेट हैं जो कि चीनी के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे गन्ना भी ज्यादा होता है, लेकिन चीनी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। देखिए जिस तरह ऑपरेशन ग्रीन था मतलब कि हरित क्रांति वाला, उसी तरह एक ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। तो ऑपरेशन फ्लड में हमने किसके उत्पादन पे बात किया, दुग्ध उत्पादन पे। तो ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया इंडिया में, ये आपको बताना है। ये शुरू किया गया 1970 में, यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में बताया गया है 1970 में। अगला है कि कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करता है। गेहूं ही नहीं, धान का मतलब चावल का भी उत्पादन वहीं पे ज्यादा होता है, और यह है चीन जो कि एशिया का सबसे बड़ा देश है, और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है पूरे विश्व का। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। कृषि के लिए भी गणना की गई थी और ये कब की गई थी, ये आपको बताना होगा। तो ये की गई थी सन 1970 में। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। अगला है कि भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। आत्मनिर्भरता का ये मतलब है कि अब हमें उसको कहीं और से मंगाना नहीं पड़ता है। दो चीजें होती हैं, एक मंगाना यानी कि आयात, दूसरा भेजना यानी कि निर्यात। तो हम अब उसको आयात नहीं करते हैं, तो खाद्य तेल आज भी हम करते हैं जैसे कि पाम ऑयल होता है, पेट्रोलियम तो हम बिल्कुल करते हैं, उर्वरक में कुछ चीजें हम अभी भी विदेशों से करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा खाद्यान्न। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, खाद्यान्न इसका सही उत्तर है। अगला है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो कई तरह की क्रांति आई, नीली क्रांति नीली क्रांति आई मत्स्य के लिए, इसी तरह लाल क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। तो यहाँ पे नीली क्रांति के बारे में पूछा गया था, तो ये था मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। वैसे अगर बात करें इंडिया में, तो सबसे पहले यहाँ पुर्तगालियों ने तंबाकू लेके आया, लेकिन इस समय आपको बताना है कि भारत का कौन स्थान है तंबाकू के उत्पादन में। तो इस समय है तीसरा, तीसरा नंबर है भारत का। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश शुरू हुआ है, मतलब किस साल से जो सार्वजनिक उद्यम थे उनमें विनिवेश करना शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि इस साल मंदी भी आई थी और ये था सन 1991 से लेके 92, यानी कि ये एक वित्तीय वर्ष है 1991-92। हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च को खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई। इंडिया में तो हुई लेकिन बिल्कुल बहुत बाद में, सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में हुई थी ये इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन और ये टेम्स नदी के किनारे है, टेम्स। अगला क्वेश्चन है कि चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अभी हमने आपको बताया कि चावल सबसे अधिक होता है चीन में,
उसके बाद कहीं जाके होता है भारत में, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे उत्पादन ही कम होगा वहाँ पे निर्यात वो ज़्यादा कैसे कर पाएगा। यानी कि भारत का स्थान इसमें भी है दूसरा, पहला स्थान है चाइना का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है, मतलब पुराना भी हो और बड़ा भी हो। तो कपड़ा वाला उद्योग था और इसमें है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग हमारे यहाँ सबसे प्राचीनतम विशाल उद्योग है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना परसेंटेज भाग कृषि के शोध पर व्यय किया जाता है, मतलब कि जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा कृषि का होता है, तो इस जो भी हिस्सा होता है अब इस हिस्से का कितना परसेंट शोध पे व्यय किया जाता है, मतलब कि नए तरह के बीजों के लिए और कई तरह के कीटनाशक के लिए। ये होता है केवल 0.3%। अगला है कि वो कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं। तो ये है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो कि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम से प्रचलित है। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि आपको ऐप डाउनलोड करना चाहिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ आपको ऐप में कई तरह के टेस्ट मिलते हैं और ढेर सारे PDF मिलेगी, ढेर सारी फ्री वीडियो भी आप देख पाएंगे और कई तरह के पोस्ट भी आप पढ़ पाएंगे, जैसे कि ट्रिक से संबंधित। तो ऐप जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है। देखिए यहाँ पे समझना होगा, प्रतिपादक पूछा है, हरित क्रांति के जनक नहीं पूछा है। जनक पूछता तो नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन जनक नहीं पूछा है। सही उत्तर होगा विलियम गॉड, विलियम गॉड। हरित क्रांति का जो शब्द था इसको विलियम गॉड ने दिया, हालांकि हरित क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई। ये शुरू की गई वित्तीय वर्ष 1991-92 में। यानी कि सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। कॉफी के उत्पादन में, चाय कॉफी, तो यह है छठवां। कॉफी के उत्पादन में भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, हालांकि चाय के उत्पादन में चीन के बाद हमारा ही नंबर है। अगला है कि कोयला उत्पादन देशों में भारत का स्थान क्या है। तो बस अब 3 क्वेश्चन बाकी हैं, इसलिए जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। कोयला के उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा, तीसरा। अगला क्वेश्चन कि मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मत्स्य के उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा, मछली के उत्पादन में भी भारत तीसरे स्थान पे है और भारत में वेस्ट बंगाल पहले स्थान पे है। अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कि व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है, इनमें से क्या आता है व्यवसाय के अंतर्गत। तो व्यवसाय का मतलब होता है व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित था। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड था दुग्ध उत्पादन से संबंधित, जो हमने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक महान क्रांति लाई उसका नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। इसके जनक किसको माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है। अगला है कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, मतलब कि भारत का वो राज्य कौन सा है जो कि सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। तो इसके लिए आपका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगर ये पूछ ले कि कौन सा राज्य ऐसा है जो कि कम क्षेत्रफल में ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता हो, तब आपका उत्तर सही होगा पंजाब। मतलब दो उत्तर हो सकते हैं, आपको समझना होगा। जैसे कि मान लीजिए ये 1 हेक्टेयर का खेत है और ये भी 1 हेक्टेयर का खेत है, ये यूपी है मतलब उत्तर प्रदेश और ये है पंजाब। तो जहाँ पर यूपी में 10 क्विंटल गेहूं होगा वहीं पंजाब में यहाँ 12 क्विंटल गेहूं होता है। यानी कि आप देखेंगे कि भले ही उत्तर प्रदेश में ज़्यादा गेहूं होता हो, लेकिन यहाँ पे कम क्षेत्रफल में ज़्यादा गेहूं का जो औसत है ये है पंजाब का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर हरियाणा। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाए।
सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश से अभी अभी एक राज्य कट करके बना है जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना ये बना 2 जून 2014 को, अभी ये लेटेस्ट में बना है। आंध्र प्रदेश खुद 1956 में बनाया गया था जिसकी घोषणा 1953 में ही कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद मद मतलब की राशि कौन होती है? आपको बताना है कि सब चालू खाते में सबसे बड़ी मद कौन सी होती है। ये होती है केंद्रीय योजना। केंद्रीय योजना के लिए सबसे ज्यादा बजट रखा जाता है। देखिए, पहले बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था, और रेल बजट और आय जो नॉर्मल बजट है ये अलग-अलग होता था, लेकिन अब ये बजट 1 फरवरी को पेश हो रहा है और दोनों बजट को एक साथ पेश किया जा रहा है। तो इसमें से सबसे अधिक खर्च करती है सरकार केंद्रीय योजनाओं पे। अगला है कि विश्व में दूध का उत्पादन करने के क्षेत्र में भारत का कौवा स्थान है। जैसे भारत कौवे नंबर पे दूध का उत्पादन करता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो यह है भारत पहले नंबर पे, मतलब कि विश्व में जितने भी देश हैं उनमें से सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन करता है भारत। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? जैसे देखिए, होता क्या है कि जैसे भारत सरकार जब बजट पेश करती है तो उसमें दिखाया जाता है कुल व्यय। ये कुल व्यय को अगर हम यहाँ पे लिख लें और कुल प्राप्तियां जितनी प्राप्त होता है उनको यहाँ पे लिख लें, तो इसके बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है बजटीय घाटा। इसको हम बजटीय घाटा कहते हैं। अगला है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 2 सेकंड में आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। ये है रोम में। रोम में है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात हो रही है। अगला है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध, तो देखिए, नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से, हरित क्रांति का संबंध कृषि से, श्वेत क्रांति का अभी आपने देखा दूध से। तो ये जो सभी क्रांतियों को मिला करके एक बनाया गया, इसको कहा जाता है इंद्रधनुषीय क्रांति, यानी कि आपका विकल्प होगा इनमें से सभी। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान रहता है? जैसे अभी आपने देखा कि जो भी व्यय होता है और जो भी प्राप्ति होती है बजट में, उसके डिफरेंस को कहते हैं बजटीय घाटा। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें जो बजटीय घाटा होता है इसमें से सबसे अधिक क्या होता है। देखिए, जो बजटीय घाटा होता है उसमें सबसे अधिक होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का जो परसेंटेज है ये सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया? संपदा के लिए जो टैक्स लिया जाता है ये भारत में लागू किया गया आजादी के बाद। आपको बताना है कि कब ये किया गया? 1957 में। 1957 में पहली बार भारत में संपदा कर को लगाया गया था। अगला है कि विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बेहद आसान क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा सेलफोन कौन बनाता है? तो ये बनाता है चीन के द्वारा। चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है, और यहाँ पे सबसे एशिया की सबसे बड़ी नदी भी है जिसका नाम है वांगहो। वांगहो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसको चीन का दुख भी कहा जाता है, चीन का दुख। अगला क्वेश्चन है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? ये संशोधित जो मूल्यवर्धन होता है ये कहाँ होता है? तो ये होता है उत्पाद शुल्क में, मतलब जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके शुल्क में ही संशोधन करके उसमें टैक्स की बढ़ोतरी की जाती है। इसको हम कहते हैं संशोधित मूल्य वर्धन। अगला है कि केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसमें किसानों को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिस पर वो अपने भूमि के हिसाब से लोन ले सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो काफी कम होता है। तो ये लागू किया गया 1998 से, मतलब कि 1998 में पहली बार इस योजना को लाया गया, हालांकि ये योजना अभी भी कार्यरत है। अगला है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग जो कि आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है,
इसको इसके जो हेड होते हैं उसे अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति, और ये 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो ये जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, इनका नाम था के सी नियोगी। आगे बढ़े तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। मतलब टैक्स तो हर जगह कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन कुछ टैक्स ऐसा है जो कि केंद्र सरकार के राजस्व में उतना वृद्धि नहीं कर रहा है। तो इसमें से कौन है जो कि ना के बराबर वृद्धि करता है? तो यह है कृषि आयकर, क्योंकि कृषि का जो भी टैक्स होता है अधिकतर कृषि के ही कामों में लगा दिया जाता है। इसके अलावा उत्पाद शुल्क, ये भी सरकार को जाता है, आयकर तो जाता ही जाता है, और कारपोरेट से जो कर मिलता है ये भी सरकार को जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन सही होगा पहला। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान इनमें से कहाँ स्थित है। विपणन संस्थान आपको बताना है, यह है राजस्थान में। राजस्थान में, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी भी बोलते हैं, पिंक सिटी। अगला है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। योजना आयोग का काम होता है योजना बनाना, और ये भारत के शुरुआत से ही काम कर रहा है। हालांकि मोदी सरकार ने 2015 में आकर के इसका नाम नीति आयोग कर दिया, लेकिन नीति आयोग और योजना आयोग के कामों में काफी डिफरेंस है। नीति आयोग सरकार को सलाह देती है, योजना आयोग सरकार के लिए योजना बना देती है। तो ये कब लाया गया ये आपको बताना है। तो ये किया गया था 1950 में। 1950 में योजना आयोग को बनाया गया। इसका हेड कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है? तो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। अब जब योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया, तभी इसके भी हेड हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है कि गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है। तो गैर योजना अगर खर्च की हम बात करें, तो ये ब्याज का भुगतान सबसे ज्यादा आता है। ब्याज के भुगतान का, ये ब्याज का भुगतान है वो सबसे बड़ा गैर योजना खर्च होता है। अगला है कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अभी अभी हमने आपको बताया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये है आर्टिकल 280, 5 साल के लिए होता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। ज्यादा से ज्यादा टैक्स किससे मिलता है? ये मिलता है निगम कर से। देखिए आयकर से तो मिलता है, लेकिन निगम कर से सबसे ज्यादा मिलता है। इसके बाद कहीं जाकर के आयकर का नंबर आता है। अगला है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार किसको है। देखिए मौलिक अधिकार, अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये इन ऑप्शनों में से अगर बात करें तो केवल उच्चतम न्यायालय ही सही होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को ये पावर नहीं है, संसद को भी नहीं है। यानी कि ये वाला तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। आपका सही उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 34 कर दिया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव, तो ये होगा योजना आयोग का सचिव। जो योजना आयोग के सचिव होते हैं वही राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव हो जाते हैं। अगला है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। आपको याद होगा इंदिरा गांधी के समय दिया गया था ये। अब आपको अगर इंदिरा का टाइम पीरियड पता हो, जब आपातकाल लगाया गया हो, तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। ये था 1974 से लेकर के 1979। आप देखेंगे कि ये ऐसा टाइम पीरियड है जो सबसे ज्यादा उथल पुथल वाला रहा, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना थी पांचवी। पांचवी पंचवर्षीय योजना बुरी तरह फेल हुई। क्या कारण इसमें कई था? सरकार चेंज हुई, कई नए नए रूल बनाए गए, और इसी में आपातकाल भी लगाया गया था। अगला है कि भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है। देखिए होता क्या है कि दो तरह की फसलें होती हैं। कुछ होता है खाद्यान्न जिसको हम खाते हैं, जैसे कि गेहूं, धान। कुछ होती है नकदी फसलें। तो यहाँ पूछा गया है कि जो पूरी क्षेत्रफल है सभी तरह के फसलों का, उसमें से खाने वाले फसलों का क्षेत्रफल कितना है। यह है लगभग 70% से अधिक। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ केवल 30% भी नहीं नकदी फसलें उगाई जाती है, और यही कारण है कि हमारे यहाँ किसान
काफी परेशान रहता है। नायक समिति का संबंध किससे है? देखिए, जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो सरकार एक समिति बनाती है, और इसी तरह नायक समिति को भी बनाया गया था। किसके लिए, ये आपको बताना है। आपको यहाँ पे चार विकल्प दिख रहे हैं और समय बता मिल तो शुरू करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन है कि नायक समिति का संबंध किससे है। यहाँ पे आपको चार विकल्प दिख रहे होंगे और आपको समय मिलता है 2 सेकंड का, मतलब कि 2 सेकंड में आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, अगर बात करें नायक समिति का, तो इसका संबंध किससे था ये पूछा गया है। इसका संबंध था लघु उद्योगों से। नायक समिति का संबंध था लघु उद्योगों से। हर बड़े फैसले के लिए सरकार पहले एक समिति का गठन करती है, जिसमें अगर वो इकोनॉमिक्स से है तो वहाँ पे अर्थशास्त्री होते हैं, या फिर कोई न्याय वाला मैटर हो तो वहाँ पे जजों को उस समिति का हेड बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम आरबीआई के गठन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, और जो कमीशन इसको सजेस्ट किया था उसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। तो इसी तरह जो नायक समिति थी, इसका संबंध है लघु उद्योगों से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ होता है। यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज समझना होगा। अगर विदेशी व्यापार पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है? आयात प्लस निर्यात, दोनों। ऐसा नहीं है कि केवल आयात का या फिर केवल निर्यात का। अगर हम केवल आयात की देखेंगे तो तब तो आपका सही उत्तर ईरान, इराक या फिर पेट्रोलियम वाले देश हो जाएंगे, ओपेक हो जाएगा। लेकिन अगर आयात और निर्यात दोनों को मिला देते हैं तो इसको हम बोलते हैं विदेशी व्यापार, और सबसे ज्यादा है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अगला है कि भुगतान संतुलन में निहित होता है क्या? 2 से 3 सेकंड आपको मिल रहा है, अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। देखिए, पूछा गया भुगतान संतुलन मतलब संतुलन में रहे, तो इसमें हर तरह का व्यापार जुड़ा होता है। अगर हम भुगतान संतुलन की बात करें तो इसमें अदृश्य व्यापार भी होगा, दृश्य व्यापार भी होगा, ऋण भी होगा, यानी कि आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़े तो अगला है कि भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है। आयात मतलब कि लाने में, जो हमारे देश में आता हो, ठीक। निर्यात मतलब कि जिसको हम बाहर भेजते हो। तो सबसे ज्यादा हम पैसा कहाँ खर्च करते हैं, किस चीज को लाने पे? तो सही उत्तर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कि पेट्रोलियम में तेल है या फिर कोई भी एलपीजी है, ये सब हम बाहर से लेते हैं, तो इस पे हम सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। अगला है कि नरसिंघम रिपोर्ट का संबंध किस पुनर्गठन से है, मतलब कि ये जो नरसिंघम आयोग बनाया गया था ये भी एक पुनर्गठन से संबंधित था, और ये है बैंकिंग संस्थान। बैंकिंग संस्थानों के लिए कई बार बड़े बड़े कदम उठाए गए, फिर भी आज भी आप देखेंगे कि बैंक डूबने के कगार पे पहुंच रहे हैं। इसका कारण है कि यहाँ पर एक अच्छा संशोधन की जरूरत है। फिलहाल आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा नरसिंघम रिपोर्ट का संबंध है बैंकिंग संस्थान से। सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बाद में 6 बैंकों का किया गया, और अभी अभी लेटेस्ट में कई बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए सूची दी गई है। अगला है कि भारतीय चमड़े का सबसे अधिक निर्यात किसको किया जाता है। निर्यात मतलब कि भेजना। भारत किसको भेजता है भारतीय चमड़ा, किस देश को सबसे ज्यादा? तो इसके लिए आपका सही उत्तर है इंग्लैंड। इंग्लैंड को भारतीय चमड़ा सबसे अधिक निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि सूरत में बनी हुई कोई भी वस्तु मुंबई या फिर दिल्ली में बेची जा रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे आपके विकल्प हैं। इसे हम कहेंगे प्रादेशिक व्यापार, मतलब कि एक प्रदेश का व्यापार दूसरे प्रदेश में होना, इसको हम प्रादेशिक व्यापार बोलते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना तो ऐप डाउनलोड करना होगा, और ऐप पर जाकर आप इसका ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाएंगे, जहां से आपको बेहद कई तरह के फायदे होने वाले हैं। भारत में फेरा का स्थान किसने ले लिया? पहले इसको हम फेरा के नाम से जानते थे, लेकिन अब जानते हैं फेमा के नाम से। पहले फेरा, लेकिन अब फेमा। अगला है कि चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है। चंद्रशेखरन समिति तो ये है बीएसई। बीएसई क्या है? शेयर से, भारत सेंसेक्स। तो चंद्रशेखर समिति का संबंध है शेयर से। अगला है कि केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किसके है। ये भी एक आयोग ही है केलकर के नाम से, तो यहाँ आपको बताना है कि इनका संबंध किसके है, किससे है। यह है टैक्स से, करों से, किस तरह टैक्स लिया जाए।
तो केलकर टास्क फोर्स का सिफारिश का संबंध है करों से। अगला है कि कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? कर सुधार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था किसको? राजा चलैया को। अगला है कि किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ? ये प्रभावी हुआ 2003 में। सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, यानी कि एनडीए की। अगला है कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ पर है? तो ये है भारत की राजधानी में, यानी कि नई दिल्ली में। आगे बढ़े तो अगला है कि देश में चीनी मिलों की सबसे अधिक संख्या निम्न में से किस राज्य में है? देखिए, यहाँ पे जो राज्य है उन्हीं में से आपको बताना है। यहाँ पे राज्यों की बात देखें तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगर ये बात करें कि सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश में। अगला है कि निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सबसे अधिक आयात व्यापार होता है? देखिए, कहा गया आयात, संपूर्ण व्यापार नहीं कहा गया है। आयात मतलब कि लाना, अपने देश में आने देना। ये है ओपेक। ओपेक एक संस्था है जो कि कई देशों की बनी हुई है, और इसमें क्या है कि यहाँ से जो ये पेट्रोलियम वाले देश है उनको उन्होंने मिल करके ओपेक को बनाया है। भारत में बेरोजगारी किस किस्म की पाई जाती है? यहाँ पे आपको बेरोजगारी का किस्म बताना है। तो अगर हम बात करें कि भारत में जो ये बेरोजगारी है किस तरह की पाई जाती है, तो देखिए बेरोजगारी कई तरह की पाई जाती है। चक्रीय बेरोजगारी भी है, ग्रामीण अल्प रोजगार भी है, और संरचनात्मक बेरोजगारी भी है। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? आपको बताना है कि मुक्त मुक्त व्यापार क्षेत्र कौन नहीं है, तो इसके लिए सही उत्तर है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। अगला है कि भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना परसेंटेज पूर्ति कोयले से होती है? देखिए, कोयला हमारे यहाँ सर्वाधिक यूज होने वाला है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी में अब काम हो रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह काम नहीं हो पाया है। अब भी हम कोयला पे डिपेंडेंट है लगभग 67%। अगला है कि किस समिति ने कृषि जूतों पर कर लगाने की संतुति की थी? देखिए, कोई भी एक समिति बनाई जाती है तो ये संतुति करती है, बाद में सरकार की मर्जी उसे लागू करे या फिर ना करे। तो ये थी राज समिति, राज समिति। अगला है कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? वर्तमान की बात की गई है तो वर्तमान में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक हो गई है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी मतलब कि पढ़ लिख कर हो, पढ़े लिखे होना भी, और उस ऊपर से जॉब ना मिलना। अगर वहां से कोई बेरोजगार है तो उसे हम कहेंगे शिक्षित बेरोजगारी। अगला है कि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों का निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? मतलब कि आप देखेंगे कि जो कई टैक्स होते हैं जो कि राज्य सरकार का है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल ले रही है। कई ऐसे हैं जो कि केंद्र सरकार के नहीं है, राज्य सरकार का है, तब तो राज्य वसूल रहा है। लेकिन राज्यों के कई तरह के पैसे को केंद्र भी वसूल रहा है। बाद में केंद्र ये पैसा उस राज्य को देता है, लेकिन कई बार अलग अलग पार्टी की सरकार होने पर यहाँ पे विवाद हो जाता है, और इसके लिए जो बीच का काम करता है यह है वित्त आयोग, जो कि आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है। अगला है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे है कृष्ण क्रांति। यह है खनिज तेल के उत्पादन से, खनिज तेल के उत्पादन से। अगला है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है? बात की गई है ग्रामीण क्षेत्रों की। ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी पूछा गया है आपसे, तुरंत कमेंट करके बताएं। ग्रामीण क्षेत्रों में होती है मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त तो दोनों। मतलब कि मौसमी कहने का ये मतलब है कि जब सीजन वाला काम आएगा तो उस समय तो कोई खाली नहीं है, सभी लोग के पास काम है। लेकिन जब गेहूं की बुआई हो गई तो उसके बाद 2-3 महीने के लिए सब लोग फ्री हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। और अदृश्य मतलब कि कुछ ऐसी बेरोजगारी है जो कभी दिखाई नहीं देती। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है तापीय बिजली।
तापी बिजली अभी सर्वाधिक है। हालांकि जल्दी ही भारत सौर बिजली पे काम करने में पहले नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि इस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। अगला है कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है कृषि में। तो कृषि में देखने को मिलती है अदृश्य बेरोजगारी, मतलब आपको लगेगा कि उन सबके पास काम है, लेकिन सीजन भर काम है, उसके बाद सब लोग बेरोजगार है। क्वेश्चन है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होता है। बात करें अगर संरचनात्मक बेरोजगारी का, तो ये इसका सीधा सीधा संबंध उत्पादन क्षमता से होता है। जहाँ पे उत्पादन क्षमता अच्छी होगी, वहाँ पे ये वाली बेरोजगारी नहीं पाई जाएगी। यानी कि इसके लिए आपका सही उत्तर होगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो ये असमानता होता है, सामाजिक असमानता, ये मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। इसके अलावा अगर हम मानव विकास सूचकांक बनाते हैं, तो उसमें जीवन प्रत्याशा, पौर साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय तीनों को रखा जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन होगा डी वाला सही। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। असमानता घटाने का मतलब कि जो असमानता है समाज में वो खत्म हो जाए, तो इसके लिए भूमि सुधार करना होगा, करों का रोपण करना होगा और न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम करना होगा। लेकिन अगर बात करें अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का, तो ये इसका कोई भी उपाय नहीं है। अगला है कि योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। योजना आयोग बताता है कि कितने लोग निर्धनता मतलब कि गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये किस आंकड़े के हिसाब से आता है, ये आपको बताना है। ये आता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की रिपोर्ट के आधार पे। अगला है कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। यहाँ पे चार विकल्प हैं। 2 सेकंड में अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट करके बताएं। तो एक कमेटी बनी थी लकड़वाला, DT लकड़वाला कमेटी थी। तो इन्हीं के आधार पे ये गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग फार्मूला का प्रयोग करता है। अगला है कि निर्धनता का सबसे अधिक प्रकोप वाला राज्य इनमें से कौन है। देखिए क्वेश्चन बेहद आसान हो गया है, यहाँ पे दो दो स्टेट का नाम दे दिया है। इसलिए अगर ये दो दो स्टेट का नाम नहीं दिया होता तो थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन होता, क्योंकि उड़ीसा और बिहार सबसे ज्यादा निर्धनता वाले राज्य हैं। आगे बढ़े तो अगला है कि UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो अगर बात करें भारत की, तो भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पे मध्यम मानव विकास श्रेणी की रिपोर्ट है। इसके चलते UNDP ने इसको मध्यम मानव श्रेणी विकास में रखा है। अगला है कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। तो देखिए विनिर्माण तो कम नहीं हुआ है, बैंकिंग भी कम नहीं हुआ है और परिवहन भी कम नहीं हुआ है। कम हुआ है तो कृषि, यानी कि इसमें जो योजना काल है अगर उसके राष्ट्रीय आय की बात करें तो कृषि का योगदान घटा है। है कि भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है किसके द्वारा। राष्ट्रीय आय के बारे में कौन अनुमान लगाता है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए एक संगठन है CSO, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, 1997 से एक काम करता है। ये भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करता है। अगला है कि भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या रखा जाता है। मतलब जब भी सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता है तो किस ईयर को आधार वर्ष माना जाता है। ये माना जाता है सन 1999 से लेकर 2000 को। आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप इसका टेस्ट भी दे पाएंगे। हालांकि इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप इसका टेस्ट कैसे दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं। मतलब कि कई तरह के मुद्राएं हैं जिसमें अगर आप देते हैं तो वो इनकार कर सकता है, लेकिन कौन सी ऐसी मुद्रा है जिनमें इनकार नहीं किया जा सकता। तो यह है विधिग्राह, मतलब कि कानून के द्वारा
जो मुद्रा बनाई गई है उसमें अगर आप कोई भी भुगतान करते हैं तो जो लेने वाला है वो मना नहीं कर पाएगा। अगला है कि मुद्रा स्फीति में बाजार की वस्तुओं पर क्या असर पड़ता है। यहाँ पे आपको टाइमर दिख रहा होगा, लगभग आप देखेंगे कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं, 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है, केवल 13 क्वेश्चन बाकी है और आपको अभी भी 14 मिनट का समय मिल रहा है, पर्याप्त समय है। तो देखिए, अगर मुद्रा स्फीति की बात करें तो जो भी वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाती हैं, क्योंकि जो रुपया है इसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगला है कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। अभी हमने बताया कीमतें बढ़ेंगी तो मुद्रा स्फीति, और जब कीमतें बढ़ने का ये मतलब है कि मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। अगला है कि अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ मंदी की भी स्थिति आ जाए, मतलब कि मुद्रा स्फीति तो हो ही, वस्तु का दाम तो बढ़े ही, लेकिन उसके साथ साथ मंदी भी आ जाए। देखिए, कई तरह की कंडीशन होती है। एक बार ये होता है कि मंदी नहीं आती है, भले ही वस्तुओं का प्राइस बढ़ता है, लेकिन अगर वस्तुओं का प्राइस भी बढ़े और मंदी भी आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं स्टेग फ्लेशन। स्टेग फ्लेशन बहुत बार ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स जीके में पूछा जा चुका है। अगला है कि मुद्रा स्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है। मुद्रा स्फीति मतलब होता है कि पैसे की वैल्यू कम होना, वस्तुओं का दाम बढ़ना। तो अगर हम बचत का बजट प्रत्यक्ष कर दें तो इसे रोका जा सकता है। सरकारी व्यय में कटौती करें तभी भी कुछ संभव है, क्योंकि जो पैसा बचेगा उसे हम लोगों में वितरित करेंगे सब्सिडी के थ्रू, कराधान में वृद्धि करके। तो यानी कि आपका सही उत्तर होगा ये सभी। अगला है कि मुद्रा स्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण करके जो मुद्रा स्फीति है इसको अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। अगला है कि भारत में विदेशी मुद्रा का सबसे अधिक भाग खर्च होता है किस पर। विदेशी मुद्रा तो बहुत मिलती है और भारत भी विदेशों पर कई ढेर सारा पैसा खर्च करता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है पेट्रोलियम पर। आगे बढ़े तो अगला है कि अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है क्या चीज। चार विकल्प है, ये करता है निर्यात प्रोत्साहन। निर्यात प्रोत्साहन। अगला है कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। अगर भुगतान संतुलन का विपरीत कंडीशन हो जाती है तो उस समय किया जाता है अवमूल्यन, मतलब कि पैसे की वैल्यू को कम कर देना, खुद अपने पैसे की वैल्यू को कम कर देना। अगला है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है। BSE है, बंबई स्टॉक एक्सचेंज। अगला है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करके बताएं, यहां पे आपका टाइमर चल रहा है। तो यह है बिहार। बिहार अभी तक आप देखेंगे कि 25 में से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा चुका है, लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि कितने क्वेश्चन हमने सही अटेम्प्ट किया। वीडियो के लास्ट में आप इसे देख पाएंगे। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है। देखिए, बैंक कहा गया है, अगर अगर मतलब बैंकों का बैंक कहा जाए तभी भी होगा भारतीय रिजर्व बैंक, और इसे बैंक भी कह सकते हैं क्योंकि इसे बैंकों का बैंक कहा जा सकता है। 1935 में बना, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला है कि वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, मतलब वो भारतीय राज्य है और ये धारा 377 के चलते होता था, लेकिन अब ये नहीं होगा। सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। अगला है कि रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडारों का मूल्यांकन स्वर्ण के किस मूल्य के आधार पर किया जाता है। ये अंतिम क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, 115 करोड़ रुपए के हिसाब पे। तो इसके लिए आपको ऐप मिलेगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसे ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। सबसे पहले अगर आप क्विज चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज पे क्लिक करना होगा, खास करके इकोनॉमिक्स के लिए। फिर
वहाँ पर आपको इंडिया जी के हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, कंप्यूटर, इकोनॉमी दिखता है। इकोनॉमी पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आज की इस वीडियो में हमने 10वां भाग कवर किया, तो आपको 10वें पे क्लिक करना होगा। 10वां पर क्लिक करते ही आपका जो टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप जान पाएंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।